चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 10 ईयर्स बिफोर द एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर वर इन द रेशियो 3:1, इन अनदर 10 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 13:7, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन में क्या है, मदर और डॉटर की बात हो रही है, ये आपका प्रेजेंट है बोला है, आज से 10 साल पहले, मतलब हम कहां जा रहे हैं बेटा, पास्ट में जा रहे हैं। पास्ट के अंदर मदर और डॉटर का रेशियो हमें क्या दे रखा था, मदर और डॉटर का रेशियो दे रखा हमें 3:1, 3x है और 1x, ठीक है ना, ये रेशियो गिवन है। बोला इन अनदर 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, और आज से 10 साल बाद यानी फ्यूचर में अगर हम जाएं तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 13:7 हो जाएगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मदर और सन की प्रेजेंट एजेस क्या, हमें यह बताना है। कोई ट्राई करना चाहेगा, कोई भी, कोई भी एक ट्राई करना चाहे ट्राई करो बेटा। दो सेकंड, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, यहां से यहां तक बोल रहा है 10 साल का फर्क है, पास्ट में जाओ तो भी, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओ तो भी 10 साल का फर्क है। तो आज से 10 साल पहले रेशियो था 3x एंड 1x, ओके 10 साल पहले था, तो 10 साल पहले का रेशियो था हमारे पास बेटा 3x और 1x, मदर और डॉटर का। और 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, तो हम यहां से कहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, तो टोटल यहां से यहां आते हैं तो कितने साल का फर्क आता है, 20 साल का फर्क आता है, 20 ईयर का डिफरेंस आ जाएगा। हम पास्ट से आए प्रेजेंट में, प्रेजेंट से आए फ्यूचर में, क्यों जा रहे हैं फ्यूचर में, क्योंकि जो हमें नेक्स्ट रेशियो दे रखा 13:7 वो कब का है, फ्यूचर का। तो अगर आप पास से फ्यूचर में जाते हो प्रेजेंट को क्रॉस करते हुए, तो बोलोगे 20 साल बढ़ रहा है, यानी मदर की एज के अंदर भी 20 ईयर इंक्रीज हो रहा है और डॉटर की एज के अंदर भी क्या हो रहा है बेटा, 20 ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो +20 +20 कर दिया। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन, आ गया हमारे पास आंसर। फटाफट सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है जल्दी से। आज से 10 साल पहले ये रेशियो था एज का, आज से 10 साल बाद ये हो जाएगा। तो 3x और 1x पास्ट में रेशियो था और हमें फ्यूचर का रेशियो दे रखा है, तो हम पास से सीधा है फ्यूचर में, तो ये 10 साल दोनों के एज में क्या इंक्रीज होगा, 20 एंड 20, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, सो सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते फटाफट से, ये चीज मिटा देता हूँ, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, मिटा देते क्या, इसको ऊपर ले जाते थोड़ा सा, ये लो भाई, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21x प्लस 7 2 जा 140, 13 1 जा 13x और 13 × 2 260। एक्स को एक तरफ ले आएंगे, इधर आ जाएगा हमारे पास 7x, 13 और 6 और 7x, और उधर कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 60 60 120। नो 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 नो, कहाँ गड़बड़ कर दिया, 13:7 7 3 जा 21 7 2 जा 14, ओके 13:7 13 × 1 13 13 × 2 260, हाँ सही सही सही, चलो करो सॉल्व। एट एक्स कहाँ पे, अच्छा 8, ओके, ये खे तभी हम अटक गए यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 120,
तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 15। चलो भाई x क्या आ गया हमारे पास 15 आ गया। पूछा है प्रेजेंट एज, चलो भाई दो इक्वेशन है कहीं पे भी चले जाओ, अगर मैं पास में जाता हूं मेरे को दे रखा है 3x और 1x, क्या है 3x और 1x, तो 15 इंटू 3 करूंगा 45 और 15 इंटू 1 करूंगा 15। ये तो है 10 साल पहले की एज, अगर मेरे को प्रेजेंट में आना है तो क्या करूंगा दोनों के अंदर 10-10 साल ऐड करूंगा, तो मदर की एज के अंदर 45 प्लस 10 करता हूं 55 और 15 के अंदर 10 ऐड करता हूं तो क्या आता है 25। 55 एंड 25 ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका आंसर। तो 13-7 है ना, अरे अरे 13-7-10 होता है, मैंने 13-7-21 कर दिया। चलिए नेक्स्ट बेटा, शौर्य भात लेके आया है डिफेंस परीक्षाओं के लिए बुक्स, अगर कोई बच्चा आर्मी जीडी एनए टेक्निकल क्लर्क एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा है, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है और उनको उनके रिलेटिव बुक्स चाहिए जिसके अंदर पूरे कंप्लीट थ्योरी और उनको मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाए, तो वो सारा का सारा कंप्लीट पैकेज आपके लिए शौर्य भात लेके आया है। ये बुक्स हाल फिलहाल बेटा हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है, इन बुक्स को बाय करने के लिए आप या तो शौर्य भात ऐप डाउनलोड करके इन्हें डायरेक्ट शौर्य भात ऐप से बाय कर सकते हो या आप अमेजोन से भी इन बुक्स को बाय कर सकते हो। इन बुक्स के अंदर आपको मिलेगी कंप्लीट थ्योरी, 2000 प्लस ऑप्शनल क्वेश्चंस और पैटर्न बेस्ड मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, गणेश चतुर्थी स्पेशल है बेटा, गणेश चतुर्थी का आपको पता गणेश चतुर्थी चल रही है 19 सितंबर तक चलेगी पूरी की पूरी आपके, तो गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर है कि अगर कोई भी बचा इस टाइम को टिल 19 सितंबर 2021 कोई भी ऑनलाइन डिफेंस कोर्स शौर्य भात ऐप से बाय करता है तो उसको मिलता है फ्लैट 25% का डिस्काउंट, ठीक है ना। शौर्य भारत के सभी ऑनलाइन डिफेंस कोर्सेज पर फ्लैट 25% का डिस्काउंट, ऑफर वैलिड टिल 19 सितंबर 2021। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स वाज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, इफ देर हैव बीन 35 फ्यूअर अपियर्ड स्टूडेंट्स एंड 9 मोर हैड फेल्ड द रेशियो ऑफ पास एंड फेल्ड स्टूडेंट वुड हैव बीन 2:1 देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर फॉर द एग्जाम इज ओके। Seems like a good question. क्या कह रहा है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझते हैं द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स वर 4 टाइम ऑफ द फेल्ड, ये पास्ट है ये फेल्ड है, अगर फेल्ड x है तो पास्ट है उसके 4 times 4x। चलो यहां आता तो क्लियर है, आगे कह रहा है इफ 35 हैड बीन If there had been 35 fewer appeared, भाई टोटल कितने अपीयर हुए, पास प्लस फेल करेंगे हमें पता चलेगा टोटल अपीयर हुए थे 5x रेशियो के अंदर, ठीक है। कह रहा है अगर 35 बच्चे कम अपीयर होते तो 9 more student had failed, तो 9 बच्चे और फेल हो जाते। अगर 35 बच्चे टोटल हमारे पास 5x थे, बोल रहा है 5x में से अगर 35 बच्चे एग्जाम नहीं देते तो 9 बच्चे और क्या हो जाते, फेल हो जाते, मतलब 35 के अंदर फेल वाले कम थे। द पास और ऐसा करने के बाद जो पास और फेल का रेशियो क्या हो जाता हमारे पास 2:1 हो जाता। चलिए यानी एट प्रेजेंट हमें ये रेशियो दे रखा है, ये पास और फेल का है, ये 4x है और ये x है, बोल रहा है अगर 35 बच्चे कम आते, ठीक है अच्छी बात है, तो 9 बच्चे ज्यादा फेल हो जाते। ओके तो फेल कितने ज्यादा हो जाते, 9 ज्यादा फेल हो जाते, कब, जब 35 बच्चे कम आते, तो मतलब 35 बच्चे कम आते 9 ज्यादा फेल हो जाते, तो पास कितने होते, तो पास होते इसके अंदर 24। सीधी सी बात है 35 बच्चे कम अपेयर होते तो बोला है कि 9 बच्चे क्या होते, ज्यादा फेल हो जाते, तो 35 - 9 - क्या यानी 24 बच्चे क्या होते, पास हो जाते। लेकिन अगर कम अपेयर करवा रहे हैं तो मतलब पास में से कितने बच्चे कम कर देंगे हम, 24 बच्चों को हम माइनस कर देंगे, तो उसके बाद बोला है पास और फेल बच्चों का रेशियो क्या आ जाता हमारे पास 2:1, यही है 9 मोर हैड फेल, एक्स्ट्रा फेल कर दिए और पास कम कर दिए, आ गया इक्वेशन। सॉल्व करो एक बार, कह रहा अगर जितने बच्चों ने एग्जाम दिए, मान लो एक्स बच्चों ने एग्जाम दिए बेटा, एक्स वाई जेड कितने भी हैं, अगर 35 बच्चे एग्जाम नहीं देते तो बोल रहे कि 9 बच्चे ज्यादा फेल होते, 9 मोर हैड फेल्ड, 9 ज्यादा फेल हो जाते, 35 कम बच्चे अपेयर करते तो 9 ज्यादा फेल हो जाते, तो 9 ज्यादा फेल हो जाते, फेल के अंदर 9 ऐड कर लिया, यानी 9 ज्यादा फेल हो जाते मतलब 24 क्या होता है, टोटल 35 थे, 9 ज्यादा फेल हो रहे हैं, 24 क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, लेकिन हमें बोल रखा है कि फीवर अपेयर कम अपेयर होते तो हम क्या कर देंगे, -24।
बेटा 5x माइनस तो टोटल में से हो रहा है ना, टोटल में से कितने कम हो रहे हैं? बोला टोटल में से 35 कम कर रहे हैं, तो टोटल में 35 हमने कम कर दिया, यहां तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे पास ये रेशियो पास और फेल का है, टोटल का थोड़ी है। तो अगर टोटल में से 35 कम अपेयर हो रहे टोटल में से, तो 9 बच्चे ज्यादा फेल हो रहे थे, 9 को हमने फेल किया। तो जो 35 थे उसमें 9 तो फेल हो रहे थे, 24 माइनस कर दिया। तो अब क्या करेंगे, 4x में से 24 कम कर देंगे। ये इक्वेशन आपकी ऐसे थी बेटा, 4x था माइनस 35 और इसके अंदर क्या कर देते हम, प्लस 9 जो फेल हुए हैं। ये ऐसे इक्वेशन सॉल्व होती, टोटल थे ना, टोटल में से तो किया ही है माइनस, लेकिन टोटल का रेशियो नहीं हमारे पास, टोटल का रेशियो नहीं। तो जो ज्यादा फेल हुए 24 हमने कम कर दिए। एक तरीके से देखिए, फेल एक्स्ट्रा प्लस किया है ना, फेल के अंदर भी ज्यादा बच्चों को लेके आ गए तो वो यहां पे माइनस कर दिए ऊपर वाले में। बेटा समझो, देखो टोटल हमें बच्चे दे रखे हैं, टोटल में से क्या बोला है कि 35 कम आते, तो चलो ठीक है, टोटल में से 35 कम आते हैं, यहाँ तक हम बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो हमें गिवन रेशियो है पास और फेल का है, यानी 4x प्लस 1x में, ये कह रहा है। तो बोला टोटल के अंदर अगर 35 कम आते तो 9 ज़्यादा फेल हो जाते, तो 9 ज़्यादा फेल हो गए तो 9 तो हमने यहाँ दे दिए, तो 35 में से 9 तो हमने फेल के अंदर दे दिए, तो बचे कितने, 24। तो 24 हम क्या कर देंगे, पास में से माइनस कर देंगे, क्योंकि पास और फेल मिला के तो 35 है टोटल। तो फेल वाले यहां रख दिए, पास वाले ऊपर वाले से माइनस कर दिए, पास और फेल मिला के 35 है हमारे पास, 35 बच्चे कम अपीयर हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने सिर्फ 4x में से माइनस कर दिया, जो बच गए वो उसमें से माइनस कर दिया। तो उसके बाद हमारे ये नया रेशियो आया, ये कितना आएगा, 4x माइनस 24 2x प्लस 18। तो इधर आएंगे जाएगा 2x और उधर आ जाएगा अपने पास 8 प्लस 4 12 3 42। x इक्वल्स टू कितना है, 21। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, इसको 5 से इंटू कर दो, एक्स इक्वल टू 21। ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, ऑप्शन में मिसिंग है कुछ। टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए थे हमारे पास 5x, 105 आना चाहिए था। ये सेकंड क्वेश्चन ही देख लेते हैं ना, कहाँ है क्वेश्चन ये। भाई जब तो नेक्स्ट करो ट्राई, मैं इसका देखता हूँ, इसका ऑप्शन सही है या क्या इशू है, अभी देखते हैं। नेक्स्ट ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 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 लास्ट वाले में 155, नहीं नहीं 185 है, बी ऑप्शन 155 है। अगर 9 यहाँ दिए तो 35, अरे यहाँ बेटा यहाँ रुको, 35 माइनस करने थे ना, एक बार प्लस कर दिया, हाँ कर दिया बेटा। ये देखो यहाँ गड़बड़ हुई अपने,
2 सेकंड रुक जाओ, ये देखो इक्वेशन ही गलत बना दी थी। ये पास स्टूडेंट थे, ये फेल थे, ये एक्स है, ये 4x है, वही कह रहा हूं। अब होगा बेटा देखो, ये 4x है और ये x है। अब क्या कह रहा है, 35 बच्चे अगर कम आते तो 9 ज्यादा फेल हो जाते, तो 9 ज्यादा फेल होते तो यहां +9 करते, यही करते हम यहां पे। और यहां पे क्या करते हैं, -35 में 9 तो हम नीचे दे चुके थे ना, तो यहां पे भी -9 करना था, मैंने +9 कर दिया था। अब आएगी आंसर आपका बेटा, अब आ जाएगा आंसर, चेक कर लेना। बोला कि 35 बच्चे कम आते तो 35 बच्चे कम आते, उसमें 9 फेल एक्स्ट्रा हो जाते, जो 9 हमने नीचे दे दिया, ऊपर 9 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो दोनों ऊपर माइनस हो रहे हैं। अब आंसर आएगा तो हमें नया रेशियो क्या मिल रहा है, 2:1 मिल रहा है। यहां आएगा 4x - 39 and 4 45 44 by x + 9 = 2/1। यहां आएगा 4x - 44 = 2x + 18। यहां आएगा 2x और उधर जाएगा 44 54 64 62। x = कितना आता, 32 आता। तो टोटल बच्चे कितने थे अभी, कहां हो गया, 9 2 18 छः, एक्स इक्वल 32, 5 2 10, 5 3 15, 4x - 44 2x + 18, एक्स इक्वल 31। तो टोटल बच्चे कितने आएंगे, 31 × 5, 5 1 5, 5 3 15, अरे रे बी आएगा, क्योंकि 9 अगर हम यहां दे रहे हैं तो ऊपर 9 कम करना पड़ेगा, दोनों में अगर 9 दे दिया फिर तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। हो गया, 35 कम कर रहे हैं, 35 में से 9 तो फेल हो चुके हैं, तो टोटल 35 में से 9 माइनस करना था, तो -35 - 9 करना था। चलो अब ये करो 62 पर, हाँ समझ गया, मेरे से पूछो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ आज क्या क्या हो रहा है। पहले मैंने 8x को 7x लिखा, फिर मैंने 62 को 31 को 32 लिखा, एक ज्यादा लिखा एक कम लिख दिया। चलो, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:2। चलो इनकम का रेशियो दे रखा है, यहां लिख देते हैं इनकम का रेशियो, ऑप्शन हमारे पास है नहीं, बट इनकम का रेशियो अपने पास क्या है, 7x, 9x and 12x। कौन कौन है भाई, ए है, बी है और सी है, और स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दे रखा है। कितना है, 8y, 9y, 15y, ये है ए, ये बी, ये सी। चलो ठीक है, अब बोला इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम देन द सेविंग ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो। हाँ उसमें से पास निकलते हैं, वही मैंने प्लस कर दिया, मैंने 9 ऐड करके ऊपर माइनस कर दिया था, 35 में से माइनस कर दिया था, जबकि अगर 9 हमने फेल में दिए तो ऊपर वाले के अंदर वो भी ऐड करना चाहिए था। कोई नहीं, कोई हो जाता है। अब देखो ए के बारे में कह रहा है, ए जिसकी जो भी इनकम है ना उसका 1/4 इनकम क्या करता है, सेव करता है। चलो ठीक है, तो इनकम होती क्या है, तो इनकम होती है हमारे पास जो भी हमारे पास सेविंग होती है उसके अंदर एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो, इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। चलो तो बोल रहा है ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, भाई ए की बात हो रही है, ए की इनकम कितनी है 7x, इसका बोला वो 1/4 क्या करता है, सेव करता है, यानी 7x/4 उसकी क्या है, सेविंग है। चलो यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी ठीक है, देन द सेविंग ऑफ ए बी एंड सी। चलो तो इनकम में से अगर सेविंग को माइनस कर दे तो क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे, मेरी 100 रुपए इनकम है, 40 रुपए में बचाता है, यानी 60 मेरा क्या एक्सपेंडिचर है। तो एक बार इनकम में से सेविंग माइनस करो, मतलब इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस करता हूं तो मेरे को एक्सपेंडिचर मिल जाता है,
मेरी इनकम का रेशियो 7x, मेरी सेविंग का रेशियो है 7x/4, तो मेरे को मिल जाता है एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर मेरा कितना है 8y, 7 × 4 = 28, 28 - 7 = 21x/4 = 8y। चलो x और y को एक तरफ कर दो, x by y इक्वल्स टू आएगा 8 × 4 = 32/21, आ गया x और y की वैल्यू मिल गई हमारे पास। अब पूछा क्या, देन द सेविंग ऑफ ए बी एंड सी आर, ए बी सी की सेविंग क्या है वो निकालनी है हमें। तो पहले इनकम निकालेंगे फिर एक्सपेंडिचर निकालेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो सेविंग आएगी। तो ए की बात करें तो ए की सेविंग आएगी 7x - 8y, बी की सेविंग आएगी हमारे पास 9x - 9y, और सी की सेविंग आएगी हमारे पास 12x - 15y। एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी बेटा, एक्स की वैल्यू 32 रखेंगे, वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 21। करो, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है पर करना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 32 × 7 - 8 × 21, 7 × 14 = 4, 1 × 7 = 21, 22 × 2 = 4 - 8 × 8 = 16, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया, ओके 11 में से 6 गया 56, ये आ गया 56, एक रेशियो है 56, दूसरा करो, सारे करके देखने पड़ेंगे। ऑप्शन है क्या इस क्वेश्चन का, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना, ऑप्शन होते तो आंसर भी आ जाता। मैं देखता हूँ ऑप्शन हो तो, ऑप्शन होता है मैं लिख देता हूँ, होपफुली हो। B99, चलो प्राची का आ गया B99, सी की तारा, ओके ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन है हमारे पास 69:56:48, दूसरा है हमारे पास 56:99:, अच्छा ये लग रहा है मेरे को 69, और थर्ड है हमारे पास 47:74:99, और डी नन ऑफ दीज है, सेकेंड आंसर हो जाएगा बेटा, सेकेंड वाला आंसर आ गया अपना, आ गया आंसर। ये वाला आंसर 56:99, थर्ड कितना है 69, चेक कर लो बेटा, गलत है, थर्ड कर लेते हैं, 12 × 32 - 15 × 21, 15 × 21 तो मैं बता देता हूँ, बाकी करके देख लेना, ये आ जाएगा 315 माइनस करेंगे 315, और 32 × 10 करते हैं तो 320, और 320 के साथ अगर मैं 64 को ऐड कर दूं तो 384 आ जाएगा, और 384 में से अगर मैं 15 को माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा 69, सही है। हाँ तो सेकंड ऑप्शन होगा, अच्छा क्वेश्चन था, चलो ठीक है। चलो ₹2,250 डिवाइडेड अमंग थ्री फ्रेंड्स अजय विजय एंड राज इन सच अ वे दैट 1/6 ऑफ अजय शेयर, 1/4 ऑफ विजय शेयर एंड 2/5 ऑफ राज शेयर इज इक्वल, 1/4 ऑफ अजय, विजय का कितना 1/6 था अजय का, विजय का है 1/4 और राज का जो है भाई 2/5 क्या इक्वल है। तो पूछा गया है अजय का शेयर क्या है, अब इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेके नया रेशियो निकाल दो फटाफट से, तो 6/5/12 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 6/4/5 का 60, तो नया रेशियो आएगा 6 की टेबल में 60 आता है 10 टाइम्स, 4 की टेबल में आता है 15 टाइम्स,
और 5 की टेबल में कितना आता है, 12 × 10 = 12 × 2 = 24। ये आ गया हमारे पास ए, अजय विजय और राज का रेशियो। इनको कितने रुपए बांटने, 2 × 2 = 50। चलो बांट दो 20, 30, 40, 49। यानी आप बोलोगे सर 49x = 20, 30, 40, 49x = हमारे पास 2 × 2 = 50। यहाँ से x इक्वल्स टू आएगा आपके पास 2 × 2 = 50 / 49 इनटू किसका पूछा है, अजय का शेयर। अजय का रेशियो कितना है, 10। कट रहा है क्या, 5 टाइम्स पूरा पूरा कट रहा होगा, 500। अजय विजय एंड राज, प्राइस सॉल्व करके बताना बेटा आंसर आ रहा है क्या जल्दी से। नहीं कटा होगा, 2 × 2 = 50 / 3 फॉर अजय विजय राज। सच्चा बता अजय को 1/6 ऑफ अजय शेयर और 1/4 ऑफ विजय शेयर, 2/5 राज शेयर इज इक्वल। एलसीएम सही लिया हमने, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 49। अप्रोक्स करके देखना बेटा, अप्रोक्स में तो नहीं आ रहा कहीं, कोई भरोसा नहीं, अप्रोक्सीमेशन में तो नहीं आ रहा, चेक कर लेना एक बार। अप्रोक्सीमेशन में आए तो 450 करीब आएगा ना। फाइंड अजय शेयर, ओके चलो वापस करते हैं। 2 × 5 अमंग अजय विजय एंड राज इन सच अ वे दैट 1/6 ऑफ अजय शेयर, अजय के जो भी शेयर मिल रहा है उसका 1/6, विजय को जो भी शेयर मिल रहा है उसका 1/4 और राज को जो भी शेयर मिल रहा है उसका 2/5 क्या इक्वल है। तो मान लेते हैं 60 रुपीज़ मिल रहे हैं, मान लेते हैं शेयर क्या है 60 होगा। तो अजय को कितना मिलेगा, 10। अजय को जितना भी मिल रहा है उसका 1/6 ना, अजय को जितना भी मिल रहा है उसका 1/6, विजय को जितना भी मिल रहा है उसका 1/4 और राज को जितना भी मिल रहा है उसका 2/5 इक्वल है। अजय को अगर 60, अगर सबको 60 मान लें, सबको 60 मान नहीं सकते ना, दो सेकंड को ऑप्शन एड करो बेटे, एक बार ऑप्शन एड करना प्राची। मान लो अजय को 1080 मिलते हैं, उसका 1/6 करो, 6×1 = 6 और अपने पास 48, 6×8 = 48। चलो 180 और 1080, तो विजय का क्या मानेंगे फिर, विजय का 1/4 अप्रॉक्स 450 होगा ना। आंसर भी तो नहीं पता अप्रॉक्स 450 है कि नहीं है, पर आंसर दे ऐसे रखा है किसी का भी नहीं आ रहा। इसका 1/6 कर लो विजय का, विजय की तो रेट ही नहीं पता, अजय का शेयर 1080 है तो टोटल शेयर आएगा यहाँ से। तो एलसीएम तो बिल्कुल सही लिया था यार हमने, 6, 4, 5 का एलसीएम आया था 12,
दस पंद्रह चौबीस चलो कोई नहीं प्राची, अभी के लिए स्किप कर देते हैं बेटा, छोड़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, हाल फिलहाल के लिए स्किप करो, नेक्स्ट करो। आंसर तो वही आना चाहिए था 445, लेकिन पॉइंट से पता नहीं कैसे आ रहा है, वैल्यू है तो मिसमैच हुई है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द अमाउंट ऑफ रुपीज 500 बिटवीन पी क्यू आर एस सच दैट पी एंड क्यू टूगेदर गेट थ्राइस एज मच एस आर एंड एस, क्यू गेट्स फोर टाइम्स ऑफ व्हाट आर गेट्स है। ये गेट्स कर देना बेटा, ठीक है ना। R gets and R gets 1 by 5 times or as much as S. Now the value of Q gets will be, Q को कितना मिल रहा है? चलो क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके से पैसे बांटने की P और Q को मिलके P प्लस Q दोनों को कितना मिलता है? थ्राइस एज मच एस R एंड S. R और S से कितना गुना? तीन गुना मिलता है P और Q को, थ्री टाइम्स। ये पहली लाइन है। आगे क्या कह रहा है? Q gets फोर टाइम्स ऑफ R, Q को R से 4 टाइम्स मिलता है और R गेट्स 1.5 टाइम ऑफ S। चलो भाई, अगर इसको X रुपीज मिलते हैं, इसको 1.5X मिलेंगे, और जितना R को मिलता है उससे 4 गुना किसको मिलता है? Q को मिलता है। तो 1.5 का 4 गुना कर दो बेटा, यानी 6X कौन लेके चला जाता है? Q लेके चला जाता है। चलो R प्लस S यहां लिख दो, 1.5X प्लस X। P हमें निकालना पड़ेगा, Q का हमें पता है 6X, और ये कितना गुना है? तीन गुना है। चलो भाई, P प्लस 6X इक्वल्स टू 1.5 एंड X यानी 2.5, एंड 2.5 इंटू 3 करेंगे ये आएगा 7.5X, ठीक है ना, ये आएगा हमारे पास 7.5X। तो यहां से हम P निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 6X माइनस करो, P की वैल्यू आएगी 1.5X। ये आ गया बेटा पी क्यू आर एस। आ जाओ भाई, P यहां पे लिख दो, P को मिलेगा 1.5X। अब बोला है कि 500 रुपए को बांटना है इनके अंदर, यानी इन चारों का सम किसके इक्वल होगा? 500 के। तो 6, 7, 8, 9 और 10, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि 10X किसके इक्वल है बेटा? 500 के इक्वल है। तो X किसके इक्वल आएगा? 50 के इक्वल। क्या पूछा है? नाउ द वैल्यू ऑफ Q, Q को कितना मिलेगा? तो X की वैल्यू कितनी है? 50, यानी 6 × 50 कर दो, कितना आएगा Q का? 300। आई होप ये तो ऑप्शन में हो। हाँ है, ऑप्शन नंबर डी बेटा, ये तो आ गया आंसर। ये तो बहुत सिंपल था आपके, ये तो आ गया आंसर आपके, ऑप्शन नंबर डी 300। सबका निकाल सकते हैं, ये एक्स कितना है? 50। इसको मिलेगा 50, इसको इसका 1.5 टाइम्स, यानी इसको मिलेगा 75, इसको भी मिलेगा 75, और सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 500। हाँ वेरी गुड प्राची, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूं। एक ये क्वेश्चन है, देख लेना, आपको ऐप पे पढ़ा होगा, और एक और क्वेश्चन है मेरे पास। चलो एक नहीं, पहले एक ही करते हैं। सो बेटा आज के लिए इतना ही, वापस हम कल मिलते हैं। चलते, थैंक यू। जय हिंद प्राची, मेरे को याद दिलाना ये जो अप्रॉक्स वाला आंसर आया था इसका कल, ठीक है ना।